हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जीएस एंड हिस्ट्री। जो जिस एस्पिरेंट्स ने हिस्ट्री को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है उनके लिए, और जीएस वन जो कि यूपीपीएससी और यूपीएससी मेंस का जो पेपर है, पहला पेपर, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। हिस्ट्री बहुत ही इजी वे में समझेंगे, स्टोरी की तरह पढ़ेंगे और कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई थी और होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वृहत अथवा महापाषाणिक संस्कृति। इसके बारे में पार्ट वन में आपको करा चुकी थी, तो आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ से ये देख सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, तो पार्ट वन वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि महापाषाणिक संस्कृति का मतलब क्या था। तो आप लोग हमारे चैनल पे प्लीज़ विज़िट कीजिए, और जिन भी एस्पिरेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं। आगे भी बहुत सारी ऐसी सीरीज़ चलाने को हमने सोचा है जो कि आप लोगों के बहुत काम आएगी प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बृहत अथवा महापाषाणिक संस्कृति का पार्ट टू। देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था इसमें। ये हमारा सिलेबस था हिस्ट्री का, जिसमें हमने भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन और स्रोत दृष्टिकोण ये सब कर चुके हैं हम। और यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ आरंभिक पशुचारण, कृषि समुदाय, पुरातात्विक साक्ष्य, नवपाषाण, ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सिंधु सभ्यता हमें करनी थी, और इन दोनों के बीच का जो एक पॉइंट होता है वो होता है महापाषाणिक संस्कृति। ये मेनली दक्षिण भारत का एक कॉन्सेप्ट है जो आया है, तो इसके बारे में भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये होता क्या है। इसीलिए मैंने बीच में थोड़ा सा गैप देते हुए ये वाला पॉइंट कराना उचित समझा, क्योंकि एग्ज़ाम में मेंस में हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जो आप लिख ना पाओ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम जो कर रहे थे लास्ट टाइम उसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अवधारणा थी, तिथि क्रम था, समाधियों के प्रकार थे, उत्तर भारत की बृहद महापाषाणिक समाधियाँ कौन कौन सी, और सामान्य विशेषता, ये टॉपिक्स हमें करने थे इसमें। अवधारणा और तिथि क्रम मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पर समाधियों के प्रकार और उत्तर भारत की बृहद महापाषाणिक समाधियाँ, सामान्य विशेषताएं उनकी क्या क्या थी, ये 3 टॉपिक बचे हैं जो कि आज हम करेंगे आज के लेक्चर में। अवधारणा आप ये रिवाइज कर सकते हैं एक बार, हमारे लास्ट लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं समाधियों के प्रकार। तो ये जो समाधियाँ थी, आकार में, प्रकार में, पत्थरों के स्वरूप में, सब में बहुत ज़्यादा भिन्नता की थी। तो इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर जो हमारे विद्वान थे, जो इतिहासकार हैं पुराने, उन्होंने इन महासमाधियों को 40 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है, 40 वर्ग में विभाजित किया, 40। बट यहाँ पे 40 पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो मेनली जो हमें 4 करने पड़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनके बारे में, और यही मेन है जो कि दक्षिण भारत में मेन पाए गए हैं ये चीज़ें, तो इनके बारे में हम करेंगे, और उत्तर भारत की जो समाधियाँ उसके बारे में हम अलग से जानेंगे। तो ये 4 हम मेनली करेंगे, और 4 ही इसमें एग्ज़ाम में मेन पूछे जाते हैं। अगर आपसे इनके बारे में कुछ पूछा जाए तो आप ये 4 को अच्छे से अपने शब्दों में डिस्क्राइब करके, कहाँ कैसे पत्थर यूज़ हुए थे, कैसे हुआ था, आप लिख के एग्ज़ाम में ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है डालमेन ताबूत, ये होता क्या था। तो डालमेन का जो अर्थ होता है वो होता है पत्थर की मेज, जैसे कि इस टाइप की एक पत्थर की मेज होती है, इसे कहते हैं डालमेन। इसे जो होता है, इन्हें समतल जमीन पर सीधे और अनगढ़े शिला फलकों की सहायता से तैयार किया जाता था। सीधे होते थे और गढ़न नहीं होती, इसे कोई नक्काशी नहीं की जाती थी उस पर। इसमें जो थे एक या सीधी शिला फलकों, जिन्हें ये जो सीधी शिला फलकें, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं ये वाली, तो इन्हें ऑर्थोस्टेट कहा जाता था। इसकी सहायता से आयताकार कक्षा का निर्माण ये लोग करते थे, और इनकी जो दिशा होती थी ये पूरा पश्चिम की ओर लंबाई में रखे जाते थे। समाधि की जो फर्श होती थी उसकी पत्थर पर एक बड़ी सी पटिया बिछा दी जाती थी, ये इस टाइप की कुछ पटिया बिछा दी जाती थी समाधि की जो फर्श होती थी उस पर, और इसके ऊपर 1 या 2 पटियाओं से इसे ढक दिया जाता था। और समाधि को जो विभिन्न कक्षाओं में विभाजित करने के लिए कभी कभी और भी, जैसे कि यहाँ पार्टीशन लगा दी, यहाँ पार्टीशन, यहाँ, तो ऐसी और भी पटिया का उपयोग किया जाता है, इस टाइप की समाधि बना दी जाती थी।
शिला फलकों से निर्मित इस प्रकार के कक्षों का जो अधिकांश भाग होता था वो जमीन में गड़ा होता था और थोड़ा सा ही भाग ऊपर दिखाई देता था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस टाइप की समाधि में काफी कुछ जमीन में गड़ा हुआ है और कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है। और इसमें डालमेन जमीन के ऊपर रहता था और ताबूत नीचे बना होता था, इसीलिए इसे डालमेन प्रकार का ताबूत कहा जाता है, डालमेन ताबूत इसे कहा जाता है। समाधि की जो पूर्वी पटिया होती थी उसमें एक छिद्र होता था जिससे सामग्री डाली जाती रही होगी। अब अभी इस टाइम तो प्रॉपर ये नहीं पता है कि वो छिद्र क्यों होता था, लेकिन जो पूर्वी साइड में छिद्र होता था एक होल सा बना होता था वहाँ पे, और जो विद्वानों ने एक्सपेक्टेशन किए कि शायद वहाँ से सामग्री डालते होंगे। और समाधियों की जो मिट्टी पर है वो जमीन की सतह पर रखी हुई मिलती थी। जो समाधि के शव होते थे ना, ताबूत, वो जमीन की सतह पर रखे थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मिले हैं काले मृदभांड मिले हैं, लोहे के उपकरण मिले हैं वहाँ पर। तो ये मतलब मेनली है कि जहाँ ताबूत होते थे डालमेन प्रकार के, वहाँ पे मृदभांड और लोहे के उपकरण भी मिले हैं। और ये ताबूत जो मिले हैं मुख्यतः ब्रह्मगिरी और चिंगलपुत से मिले हैं। ये दो जगह नाम इम्पॉर्टेंट है, ब्रह्मगिरी और चिंगलपुत। आप लोग आज का होमवर्क है ये, कमेंट करके बताइए ये ब्रह्मगिरी और चिंगलपुत्र कहाँ पर है, कौन सी जगह में। मैं हिंट देती हूँ, ये दक्षिण भारत में है। आप ये बताइए कौन सी स्टेट में पड़ता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे स्तूपाकार या स्तूपाकार ढेर या व्रत, जिसे संगोरा भी कहा जाता है। तो इसे तमिल भाषा में निड़ई कल तेड़ी कहा जाता है। तमिल भाषा में इसका जो नाम है वो है निड़ई कल तेड़ी, ये नाम है इसे। और इस प्रकार की समाधि के निर्माण के लिए सबसे पहले जमीन में गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद उसकी फर्श पर अस्थि अवशेष उपकरण मृदभांड जो जो वहाँ रखा जाता है उसे रख के उसे गड्ढे को भर दिया जाता है। अब उसके बाद उसके चारों ओर पत्थर के टुकड़े, जिसे रबल्स कहते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, टुकड़ों से ऊंचाई तक उसे ढक दिया जाता है। पहले समाधि गड्ढा खोदते हैं, उसमें जो जो डालना होता है डालते हैं, उसे भरते हैं, फिर पत्थर के टुकड़ों से इस प्रकार ढकते हैं कि उसका आकार एक समाधि जैसा लगता है, स्तूपाकार लगता है, वृत्त जैसा लगता है। और इसमें जो है कुछ समाधियों में मिट्टी की जो सपाद शव है, जो ताबूत है, वो भी मिट्टी की मिलती है। जैसे कि पत्थर की बात की तो वहाँ मिट्टी के भी यूज होते हैं कभी कभी। और इस प्रकार के जो स्मारक है वो चिंगलपुत में मिलते हैं। तो वापस यही चीज़ आपको मिल गई, डालमेन ताबूत और स्तूपाकार ढेर या व्रत, जिसे संगोरा भी कहा जाता है, ये आपको मिलेंगे चिंगलपुत। और चिंगलपुत कहाँ है कमेंट करके बताइए मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है दक्षिण भारत का। आगे हम बात करेंगे छाता प्रस्तर तथा शीश प्रस्तर की, ये किस प्रकार की समाधियाँ होती हैं। इस प्रकार की जो महापाषाणिक समाधियों में शीश भाग खुले हुए छाते तथा सर्प के फन की तरह दिखाई देते हैं, और दक्षिण के लोग इन्हें टोपी कल्लू तथा कुदई कुल्लू कहते हैं। ये दो नाम इनके हैं जो दक्षिण भारत में लेते हैं लोग। केरल राज्य के जो लोग हैं कोचीन से शीर्ष पत्थर के स्मारक पाए गए हैं। जो शीश पत्थर के हैं वो मुख्यतः केरल के राज्य में पाए गए हैं। और इस क्षेत्र के जो अन्य स्मारक हैं उन्हें कहते हैं नडुकल, मेनहीर, ये सब कहा जाता है। ये इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। ये ग्रेनाइट पत्थर के बने होते थे और एक ही पत्थर से तैयार किया जाता था, मतलब डिफरेंट अलग अलग पत्थरों को जोड़ के इन्हें नहीं बनाया गया है, सिर्फ एक प्रकार के पत्थरों का यूज़ करके इस ताबूत का निर्माण किया गया है। इनकी लंबाई जो होती थी वो 1.5 से 2.5 मीटर होती थी, जिन्हें समाधियों के समीप उत्तर दक्षिण दिशा में लंबवत गाड़ा जाता था। आप ये देख सकते हैं डालमेन ताबूत था वो पूर्व पश्चिम में था, और ये जो शीर्ष प्रस्तर और छाता प्रस्तर है ये है उत्तर दक्षिण में लंबवत। लेटराइट के कई मैदानों में जो भी है स्थानों में मृतक भांड भी मिले हैं, मतलब कि वहाँ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जहाँ मृतकों को दफनाया जाता था। कोमल परथल नामक स्थान पर नडुकलों की एक पंक्तियाँ मिली है, नडुकल जो कि स्मारक कहे जाते थे, जिसमें कई प्रकार के नडुकल हैं, इसकी भी डिफरेंट वेराइटीज़ थी, टाइप थी, वो हमें मिले हैं कोमल परथल नामक स्थान पर। सबसे बड़ा 13 फुट लंबे 7.5 फुट चौड़े आधार पर 1 फुट शीर्ष पर चौड़े पत्थर का बना है, जो सबसे बड़ा है उसकी जो मेज़रमेंट है वो इतनी है जो मैंने अभी आपको बताई।
आगे हम बात करते हैं गुफा समाधियों की। तो गुफा समाधियां भी मुख्यतः केरल के कोचीन जिले के कटकम्पल तथा त्रिपुरा के पोक्कलम से ये पाई जाती हैं, और इन गुफा समाधियों को तड़ी गुफा भी कहते हैं। इसमें लोहे के उपकरण और मृदभांड पाए जाते हैं। तो एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी सारी समाधियों में कि लोहे के उपकरण और मृदभांड इनमें पाए जाते हैं। इस कारण से इन स्मारकों की गणना महापाषाण में भी की जाती है। इन्हें बनाने के लिए पहले चट्टानों में सीढ़ीदार एक आयताकार गड्ढा खोदा जाता था, जैसे कि ऊपर वाले में किया गया था, और खड़ी दीवार में एक प्रवेश द्वार खोदा जाता था तथा इसी मार्ग से पूरी गुफा का स्वरूप तैयार होता था। तो गुफा के रूप में ये बनाई जाती कि अंदर अंदर उसके रास्ता होता था। अधिकांश गुफा की फर्श जो होती थी वो गोलाकार होती थी और छत जो होती थी गुंबदाकार होती थी, मतलब इस टाइप में इसकी गुफा की छत होती। ऑब्वियसली गुफा इस टाइप में ही होती है, यहाँ इसका दरवाज़ा इस टाइप में होता था। और इसके बीच में जो आयताकार गोलाकार वर्गाकार खंभे भी बीच बीच में गड़े हुए थे अंदर, जो अंदर जाने के रास्ते में। और कई गुफाओं में कई कक्ष भी बने हुए थे, तो खंभों की यूज से ही कई कक्षाएं इसमें कक्ष बनाए गए थे। चिंगलपुत से भी बहुत सारे ऐसे स्मारक पाए गए हैं जिसे अंत्येष्टि कलश भी कहा जाता है। भूमि के ऊपर मिट्टी के ढीले और लंबा अंडाकार मृतक भांड पकी मिट्टी का ताबूत गड़ा हुआ मिलता है, और कहीं कहीं इनमें लोहे के उपकरण और मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत सारी समाधियां भिन्न भिन्न आकार प्रकार के पाए गए हैं, जिन्हें मृत्पाषाणिक स्मारक कहते हैं, स्थल कहते हैं। और लेकिन ये कह सकते हैं कि इन जो जिन्होंने इनका निर्माण किया उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी अभी भी नहीं मिली है। निश्चित रूप से नहीं पता चला है कि इन समाधियों का निर्माण किसने किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दक्षिण भारत में, मुख्यतः ये दक्षिण भारत की बात कर रही हूँ, कि इस टाइप की समाधियाँ पाई जाती थी। चलिए हम उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत में जो बृहत्पाषाण कालीन जो समाधियाँ थी वो कैसी थी और कहाँ कहाँ मिली है, मुख्यतः ये इम्पोर्टेंट है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के लिए। तो 1960 तक जब हमारा जो विद्वान थे वो लोग ये सोचते थे कि बृहत्पाषाणिक जो संस्कृति है वो गोदावरी घाटी के दक्षिण में ही सिर्फ है, मतलब कि गोदावरी नदी है उसके दक्षिण में, जो हमारा दक्षिण भारत है वहीं तक फैली हुई है। लेकिन जब 1962-63 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो तत्कालीन अध्यक्ष थे जीआर शर्मा, उनके नेतृत्व में विंध्य क्षेत्र की पहाड़ी इलाके में जब प्रारंभ किया गया अनुसंधान, तो उन्होंने पाया कि ये जो जगह दी हुई है वाराणसी मिर्जापुर इलाहाबाद बांदा इन सब जिलों में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इन समाधियों को खोजा। अब वाराणसी में भी हम कह सकते हैं कि चकिया में स्थित चंद्रप्रभा जो नदी घाटी है वहाँ पर हथिनिया पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार की संगोरा प्रकार की समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार मिर्जापुर सोनभद्र इलाहाबाद चित्रकूट बांदा में ये सब मिलते हैं, और ककोरिया कोटिया कोल्डी हवा खजूरी मघा आदि जो प्रमुख पुरास्थल है वहाँ पर ये समाधियाँ मिली हैं और खुदाई की गई, तो इस प्रकार की समाधियाँ प्राप्त हुई, मुख्यतः संगोरा प्रकार की, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया पहले। अब आगे बात करें जो ककोरिया पुरास्थल है वहाँ, जो कि बनारसी में स्थित है चंदौली में, वो पहले चकिया तहसील में स्थित है, यहाँ पर 62-64 तक जो भी खुदाई करवाई गई तो संगोरा प्रकार की 8 तथा शिष्ट प्रकार की 3 समाधियाँ मिली हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिष्ट प्रकार की 3 समाधियाँ और संगोरा प्रकार की, तो मुख्यतः जो मैंने समाधियों के नाम बताया सिर्फ उतना ही आपको लर्न करने की ज़रूरत है। सिस्ट मीन्स ताबूत, जो ताबूत टाइप की समाधियाँ जो होती हैं वो। और एक सिस्ट यहाँ पर समाधि ऐसी मिली है जो कि संगोरा समाधि के अंदर बनाई गई है। संगोरा समाधियों की खुदाई में मानव अस्थियों के साथ साथ वहाँ पर काले लाल मृदभांड मिले हैं, लघु पाषाणों उपकरण मिले हैं, पशुओं की हड्डियाँ आदि यहाँ पर मिली है। तो ऐसा लगता है कि जो शवों को अन्यंत विसर्जित करने के बाद अवशिष्ट अस्थियों को यहाँ दफनाया जाता था। तो यही कारण है कि इन समाधियों से प्राप्त जो कंकाल है सुरक्षित दशा में बिल्कुल भी नहीं है। शिष्ट समाधियों का जो निर्माण है लघु पाषाण खंडों से यहाँ पर किया गया है। यहाँ दक्षिण भारत की भांति 4 शिलाओं को खड़ा नहीं किया गया है, जैसे दक्षिण भारत में आपने पिक्चर में देखा कि शिलाओं को खड़ा किया गया था, यहाँ पर बस ताबूत का कुछ ही भाग जमीन से निकला हुआ मिलता है।
काकोरियों की समाधियों में लोहे के उपकरण बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, और इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये ताम्र पाषाण जो भी काल था उस काल की ये समाधियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ऐसे ही क्षेत्र का जो दूसरा पुरस्थल है वो कोटिया, जो कि चकिया तहसील की पेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो उत्खनन हुआ है वहाँ यहाँ भी संगोरा और शिष्ट दोनों प्रकार की समाधियाँ हम लोगों को मिलती हैं। यहाँ की जो खास विशेषता है वो ये है कि यहाँ काले लाल जो मृदभांड है वहाँ, और साथ के साथ लोहे के उपकरण मिले हैं जो कि ककोरिया में बिल्कुल नहीं मिले हैं। लोहे के उपकरण इनमें दराती मिली है, बसुली मिली है, बाणाग्र मिला है, ये बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। मानव की अस्थियाँ यहाँ नहीं मिली हैं, किंतु यहाँ पर गाय बैल आदि पशुओं की अस्थियाँ मिली हैं। तो यहाँ से जो भी भौतिक संस्कृतियाँ हमें दिखाई देती हैं उससे यहाँ पता चलता है कि यहाँ भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, और जो रेडियो कार्बन तिथि थी वहाँ की हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ईसा पूर्व तीसरी सती की यहाँ पर जो रेडियो कार्बन तिथि यहाँ से प्राप्त होती है हमें। आगे बढ़ते हैं, जो बृहत पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी वो ककोरिया, कोटिया और ये सब स्थानों के साथ साथ विंध्य के पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, और इसका जो विस्तार था वो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे उत्खनन किए गए, तो यहाँ पर कौंडियनपुर, जूनापणी, तकाल घाट, महुझरी, पानौर, यहाँ से संगोरा और शिष्ट प्रकार की समाधियाँ मिली हैं जो कि जगह का नाम मैंने बताया, और इन्हें यहाँ पर शवों के साथ साथ पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, काले लाल मृदभांड मिले हैं, लोहे के उपकरण मिले हैं, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत में बृहत पाषाण काल जो संस्कृति थी महापाषाणिक की, वो बहुत ही क्षेत्र इसका व्यापक था, और ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ गोदावरी नदी के दक्षिण में था, जो कि पहले लोग ये मान्यता रखते थे 1960 से पहले। इनकी रचनाओं और उद्देश्य के बारे में, क्यों इसकी रचना की गई, इसके क्या उद्देश्य थे, किन लोगों ने बनाया, इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो गार्डन चाइल्ड का एक अनुमान है कि बृहत पाषाण किसी अंधविश्वास संबंधी अनुष्ठान अथवा धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाए जाते थे, तो ये गार्डन चाइल्ड ने कहा है। तो ये कोटेशन आप अपने जो भी आंसर है उसमें आप कोट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज इसका लास्ट पॉइंट करते हैं और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा हमारा महापाषाणकालीन संस्कृति। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पर आएंगे। तो ये सामान्य विशेषताएं हैं इन समाधियों की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो विशेषताओं को आप घुमा फिरा के मोड़ तोड़ के लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो इसकी पहली विशेषता हम देखते हैं, इसका जो निर्माण होता था वो ऊंचे पहाड़ी स्थलों पर मुख्यतः किया जाता था। अब क्यों किया जाता था इसके बारे में अभी भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, और पहाड़ी स्थलों पर मुख्यतः पत्थर अगर आसानी से मिल जाते थे शायद इस वजह से किया जाता होगा इनका निर्माण यहाँ पर। नेक्स्ट है, इनके नीचे एक या अधिक तालाब निर्मित पाए जाते थे। इसका कारण ये हो सकता है कि जो निर्माण सामग्री है बहुत सुलभता से मिल जाए और कृषि के लिए सिंचाई की यहाँ पर सुविधा अच्छे से उपलब्ध हो जाए इसीलिए, और इससे ये भी सूचित होता है कि ये जो समाधियाँ बनाई जाती थी ये बस्ती के समीप बनाई जाती, क्योंकि तालाब मिले हैं, तालाब बस्ती के पास ही मिलता है, तो ये समाधि भी बस्ती के पास मिलती है। अब थर्ड इसमें पॉइंट है कि इस स्मारक के जो निर्माता थे उनको कृषि कार्य से पूरी तरह परिचित थे, इसकी विशेषता ये थी, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादित प्रमुख अनाज थे वो थे चावल, जौ, चना, रागी जिसे महुआ भी बोलते हैं, और गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े आदि इन लोगों के पालतू पशु थे। नेक्स्ट है लोहे के उपकरण का प्रयोग। जैसे कि हमने अभी बात भी की थी कि जो भी समाधियाँ मिली हैं इन्हें लोहे के उपकरण उसमें मिले हैं, तो इससे पता चल जाता है हमें कि यहाँ लोहे के उपकरण का प्रयोग किया जाता था, और इसमें जैसे तलवार होती थी, कटार, त्रिशूल, चपटी, कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, छेनी, बसुली, हसिया, चाकू, भाला, इस टाइप के हथियार प्राप्त होते जो कि कृषि में भी यूज़ होते थे और युद्ध में भी इस टाइप के हथियार यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट जो समाधियाँ हैं वो विशिष्ट प्रकार के मृदभांड जिन्हें कृष्ण लोहित अथवा काले और लाल मृदभांड कहा जाता था वो यहाँ से प्राप्त होते हैं, और ये चाक पर बनाए जाते थे। ये जो मृदभांड है इनके भीतरी तथा मुँह के पास वाला जो भाग होता था काला होता था, और जो शेष भाग बचा हुआ होता था वो लाल होता था, और इन्हें जो उल्टा लिटा के पकाया जाता था मिट्टी में, जिसे आंवा बोलते हैं उसमें इसे पकाया जाता था,
जैसे घड़े, मटके, कटोरे, थाली, यहाँ पर इनके प्रमुख बर्तन यहाँ मिले हैं। तो आप ये सब विशेषताएं अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ताम्य और कांस्य के निर्मित बर्तनों का प्रयोग। मिट्टी के बर्तन के यूज़ के साथ साथ यहाँ तांबे के बर्तन भी मिले हैं, कांस्य के बर्तन भी समाधियों में मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग ये बर्तन भी यूज़ करते थे। नेक्स्ट है, आंशिक समाधिकरण का उदाहरण मिलता है यहाँ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है ना, जो भी मर जाता था इंसान, तो वो शवों को ना जंगल में छोड़ देते थे, जिससे जंगली जानवर उसे खा जाते थे। जब जंगली जानवर मांस ऊपर का खा जाते थे, तो जो हड्डियाँ मिलती थी, अस्थियाँ, उनको चुनकर फिर उन्हें समाधि में गाड़ने की प्रथा थी। तो ये काफ़ी अजीब सी प्रथा थी, तो ये यहाँ पर आंशिक समाधिकरण का उदाहरण मिला है। तो आज यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है बृहद महापाषाणकालीन समाधियाँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, और आपको किस टाइप की वीडियो और देखनी है तो उस पर आप हमें कमेंट कीजिए। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी महापाषाण काल की, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।